स्टूडेंट यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर के बारे में। ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर के बारे में। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट्स मैं इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर के न्यूमेरिकल करोगे तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स हैं ये वहाँ पे आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ, और उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल इसके फॉर्मूले बता के फिर उससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई सिंपल काम नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि एच एफ एक टर्म उसके अंदर आएगी, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। बच्चों को इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई या किस हिसाब से हमने ये निकाली। तो व्हाट इज़ सेंसिबल हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज जो सुपर हीटेड हीट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की हीट्स हैं, तो इनके बारे में मालूम हमें होना चाहिए और इनकी वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वेट स्टीम क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है। तो वेट स्टीम यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर होता है आपका, उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड मतलब अब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं है, मतलब पूरा जो है आपका पानी जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में। और उसके बाद सुपर हीटेड मतलब अब आपने सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हीटिंग की टेम्परेचर बढ़ाया और सुपर हीटेड रेंज में पहुंच गया। तो यहाँ पर ये चीज़ वो है ना, ये वेट स्टीम होता है जो लिक्विड प्लस वेपर वाला होता है, ये आपका होगा यहाँ पर कूलिंग वाला है ना, सब कूलिंग रीजन होता है, और ये जो होगा ऊपर ये सुपर हीटेड रेंज में पहुंचेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट जो है ये है आपका सैचुरेशन लिक्विड वाला पॉइंट, और ये होगा सैचुरेशन वेपर वाला पॉइंट है ना, स्टीम वाला पॉइंट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी है उनका यूज़ करते हैं हीट का, उस हीट को हम समझते हैं। आज हम सेंसिबल हीट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेंसिबल हीट। इसको हम स्पेसिफिक एंथैल्पी भी बोलते हैं, HF है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और इसकी वैल्यू हम स्टीम टेबल से फाइंड करते हैं। तो कैसे आपको स्टीम टेबल में देखना है ये चीज़ें भी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को पहले हम समझते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ वेट स्टीम, मतलब टोटल स्टीम जिसमें आपका लिक्विड प्लस वेपर। तो ये जो रीज़न है देख रहे होगे आप, ये रीज़न आपका ये वाला है, और उसके बाद ये जो रीज़न है ड्राई स्टीम ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये रेशियो ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, एक्स एम जी मतलब ये जो देख रहे होगे आप लिक्विड प्लस वेपर जो है, मतलब इसके अंदर आप इसको और गर्म करते गए या इसमें हम एनर्जी देते गए तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसको एनर्जी देते जाओगे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करके, तो ये जो आपके इसमें वाटर प्लस लिक्विड प्लस वेपर है तो इसके अंदर अब लिक्विड कंटेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो उसका वेट अपॉन ये, तो ये वेट ज़्यादा होगा, ऊपर वाली क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो इसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसे एस से डिनोट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये होगा जीरो, क्यों, क्योंकि अभी वेपर में है नहीं कन्वर्ट, और यहाँ पर हो जाएगा वन क्योंकि पूरा 100% कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर वैल्यू वेरी करेगी, 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पर 0.9, फिर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी वेरी करती है वेट स्टीम के रीजन में, यहाँ पर आपके क्या होगा लिक्विड के रीजन में क्या है, जीरो होगा, और यहाँ पर आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है, मतलब हमें क्वालिटी ऑफ स्टीम चाहिए, मतलब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हमें चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम जनरली ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब ड्राई स्टीम आपको चाहिए, ठीक है। और वो फ्रैक्शन क्या बताता है, इतना स्टीम इतने में कन्वर्ट हुआ, तो इसे बोलेंगे हम क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, और जिसकी वैल्यू आगे आपको समझ में आएगी कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है। सेंसिबल हीट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसिबल हीट वाला पोर्शन ये होता है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से मैं ले रहा हूँ और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुँच रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जा रहा है, मतलब इसमें जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट के अंदर जनरली क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg ऑफ वाटर व्हेन
हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, आइस पॉइंट मतलब जमने वाला पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट टू द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम. टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम दैट इज सैचुरेशन टेम्परेचर, जो कि लिक्विड वाला टेम्परेचर होगा टी. द सेंसिबल हीट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड हीट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. द सेंसिबल हीट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड हीट. ठीक है, तो ये ग्राफ में यहाँ पर ये जो इतना है ये आपका सेंसिबल हीट है. तो ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. ये जो है इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है, ये टोटल इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है जब हम 1 kg मतलब एक सबसे छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं पानी की, 1 kg ऑफ वाटर को व्हेन हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. जब हम 1 kg वाटर को हीट करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, और टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है. कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, ये 0°C से टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, मतलब ये जो है यहाँ पर सेचुरेशन लिक्विड में पहुँच जाएगा, सेचुरेशन टेम्परेचर पे आपका पहुँच जाए, और उसके बाद फिर वो क्या पहुँचेगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट. मतलब इतनी हीट रिक्वायर्ड हुई आपको क्या करने में, इतने डिग्री पानी, जैसे कि 0°C पानी को 100°C पानी के लिक्विड में पहुँचाने के लिए, मतलब 0°C पानी को 100°C सेचुरेशन लिक्विड पानी में पहुंचाने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट. और इसको हम बोलते हैं लिक्विड हीट भी बोला जाता है, मतलब जो लिक्विड की हीट भी हम बोलते हैं, मतलब इतनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें उसको इतने में कन्वर्ट करने में. ठीक है, और इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको द हेल्प ऑफ कुछ एनर्जी चाहिए होगी, गैस फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे बर्नर को आप गैस पर रख के गर्म कर रहे हो तो सेम टू सेम वो एनर्जी वहाँ से मिल रही. ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसमें. अब दूसरा जो है, आप सेंसिबल हीट ऑफ जो वाटर है जिसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी. इसकी वैल्यू जो है आप डायरेक्टली ऑप्टेन कर सकते हो. कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, जब हमें मालूम हो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड सेचुरेशन जो टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर टी जो है आपको मालूम है कि 100°C पर टी जो है हो जाएगा. आपको स्पेसिफिक हीट का फंडा मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या है. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट होती है, इट इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ हीट, इतनी हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, इट इज ऑल्सो एक तरह की गुप्त उसमें इसको हम बोलते हैं. तो अगर हमें, और इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर is usually taken as 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन. ये भी फाइंड की जाती है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. या फाइंड करोगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वहां भी ये आती है टर्म. देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0°C टू 30°C और सेंसिबल हीट. ठीक है, तो इस केस में अगर हम सेंसिबल हीट जो है उसका कैलकुलेशन डायरेक्ट करें, अगर आपको सेंसिबल हीट जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है और आपको स्पेसिफिक हीट मालूम है वाटर की, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप सेंसिबल हीट का. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इज इक्वल टू मास into a specific heat 1 kg of water into rise in temperature. कितना rise हुआ, मतलब इतना amount of आप heat को required हुई तो उसने इतना temperature rise कर दिया. तो mass कितना है, जैसे कि 1 kg, 4.2 जो है ये आपका specific heat लगी, और temperature को rise जो करने में जो value हुई, temperature मतलब आपका कितना था, T जो है T degree Celsius था,
और -0°C, मतलब इतना आपने राइज किया टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और ये इनिशियल टेम्परेचर था, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4.2 T किलो जूल पर kg। ये सेंसिबल हीट है, जैसे हम HF से भी डोनेट कर रहे हैं। अगर आपको